Morning students, today we shall learn 6th class chapter first. The chapter name is A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक पक्षी और उनके दो नए जन्मे बच्चे थे या वो रहते थे. दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट. वे एक उनका एक बहुत ही लंबे पेड़ पर या बहुत ही ऊंचे पेड़ पर घोंसला था जो बहुत ही छायादार था. उनमें उनकी माँ जो है उन दोनों बच्चों की दिन और रात केयर करती थी या उनका ध्यान रखती थी. वन डे एक दिन देयर वाज ए बिग स्टॉर्म वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आ जाता है. स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान. देयर वाज थंडर या हम उसे बहुत बहुत बड़ा थंडर भी कह सकते हैं. लाइटनिंग एंड रेन और उसके साथ साथ बिजली भी चमक रही थी और बारिश भी आ रही थी. एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज और उस हवा ने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया था. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव जो बड़ा पेड़ था जिसमें वो बच्चे रहते थे आल्सो केम डाउन वो भी नीचे गिर गया था. ए बिग हैवी ब्रांच उसकी एक उस पेड़ की एक बहुत बड़ी शाखा ने हिट द नेस्ट उस घोंसले को गिरा दिया एंड किल्ड द बर्ड और जो बड़ा बर्ड था उसको मार दिया. फॉर्चुनेटली भाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स जो बच्चे पक्षी थे द स्ट्रोंग विंड तेज हवा बिलो देम बहाकर उन्हें ले गई अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की दूसरी तरफ एक तेज़ हवा उन दोनों को बहाकर ले गई. वन ऑफ देम उनमें से एक केम डाउन नियर ए केव उनमें से एक जो था एक गुफा के पास पहुंच जाता है. देयर वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहां पर डकैतों की एक गैंग या समूह रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम और जो दूसरा था वो ऋषियों के आश्रम के पास उतरता है. ए लिटल डिस्टेंस अवे जो उससे कुछ ही दूरी पर था. द नेक्स्ट पेज टर्न. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स जैसे जैसे दिन बीतते गए जो छोटे पक्षी थे वो बड़े हो गए. वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री उस देश का जो राजा था केम टू द फॉरेस्ट टू हंट जंगल में हंट में सोता शिकार करना जंगल में शिकार करने आता है. ही सा ए डियर वह एक हिरण को देखता है एंड रोड आफ्टर इट और उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता है. रोड मीन्स होता है घोड़े की सवारी. इट रन डीप इंटू द फॉरेस्ट वह हिरण जो थी गहरे जंगल में भाग जाती है. फॉलो बाय द किंग और राजा द्वारा उसका पीछा किया जाता है. सून द किंग लॉस्ट हिज वे जल्दी ही जो राजा है वो अपने वे मीन्स होता है रास्ता अपने रास्ते को भूल जाता है. एंड डिड नॉट नो वेहर ही वॉज और उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ पर था. ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम वह बहुत ही लंबे समय से घोड़े की सवारी कर रहा था. टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब वो उस जंगल की दूसरी तरफ से चला था उसके चलने के बाद से ही वो कई देर तक घोड़े की सवारी करता रहा. वेरी ट्राइड बाय नाउ अब वह काफ़ी थक चुका था. ट्राइड मीन्स होता है थका हुआ. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स वह अपने घोड़े पर से उतरता है एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री और एक पेड़ के नीचे बैठता है. दैट स्टूड नियर ए केव जो उस गुफा के नज़दीक था. सडनली अचानक से सडनली मीन्स क्या होता है अचानक. ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट वह एक चीखने की आवाज़ सुनता है.
क्विक हरी अप जल्दी करो देयर समवन यहाँ पर कोई है अंडर द ट्री पेड़ के नीचे कम एंड टेक हिज ज्वेल्स जल्दी आओ और इसकी ज्वेलरी को या उसके जवाहरात को ले लो एंड हिज हॉर्स और उसके घोड़े को भी छीन लो हरी जल्दी करो और एल्स ही विल स्लिप अवे इससे पहले कि ये यहाँ से खिसक जाए स्लिप अवे का मतलब होता है खिसक जाना द किंग वॉज अमेज्ड राजा हैरान होता है ही लुकड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड वह ऊपर की ओर देखता है कि एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी ऑन द ट्री पेड़ पर बैठा है अंडर विच ही वॉज सिटिंग जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइस वह फेंट मीन्स होता है धीमी नॉइस में शोर वह धीरे से आता हुआ शोर सुनता है यूजिंग फ्रॉम द केव जो उस गुफा में से आता है या आ रहा होता है ही क्विकली वह जल्दी से गोट ऑन टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पर बैठता है एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड और वो जितना ज़्यादा हो सकता है तेज़ी से दौड़ता है सून जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम वह जल्दी ही एक क्लियरिंग होता है खुला स्थान खुली जगह पर आ जाता है जो एक आश्रम की तरह प्रतीत होता है इट वॉज द ऋषिश आश्रम यह ऋषि का आश्रम था ऋषियों का आश्रम था द किंग टाइड हीज हॉर्स टाइड भी होता है बांधना राजा अपने घोड़े को बांधता है टू ए ट्री एक पेड़ के साथ एंड सेट डाउन इन इट्स शेड और उसकी छाया में बैठ जाता है सडनली अचानक ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस एक वो एक अच्छी आवाज़ को या धीमी आवाज़ को सुनता है अनाउंस सुनाई देती है वेलकम टू द आश्रम आपका आश्रम में स्वागत है सर श्रीमान प्लीज़ गो इनसाइड आप अंदर कृपया करके अंदर जाएं एंड रेस्ट और आराम करें द ऋषि विल बी बैक सून ऋषि जल्द ही आने वाले हैं या आएंगे देयर सम कोल्ड वाटर वहाँ पर कुछ ठंडा पानी है इन द पोट घड़े में प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल अपने आप अंदर जाकर आराम करें द किंग लुकड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री राजा फिर से देखता है पेड़ के ऊपर एक बड़े से और भूरे रंग के पक्षी को ही वॉज अमेज्ड वह हैरान होता है दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड यह उस दूसरे पक्षी के जैसा ही है आउटसाइड द केव जो उस गुफा के पास था ही सैड टू हिमसेल्फ अलाउड वह अपने आप ही जोर से आवाज़ से कहता है या ऊँची आवाज़ में कहता है यू आर राइट सर पक्षी कहता है श्रीमान आप सही हैं आंसर्ड द बर्ड पक्षी ने कहा ही इज़ माई ब्रदर वह मेरा भाई है बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स लेकिन उसने डकैतों के साथ दोस्ती की है ही नाउ टॉक्स एज दे डू अब वह उसी तरह बातें करता है जिस तरह वो रोबर्स करते हैं He does not talk to me anymore. वह अब मुझसे बात नहीं करता Just then the Rishi entered the आश्रम उसी समय जो ऋषि हैं आश्रम में प्रवेश करते हैं Welcome sir, he said. जो ऋषि हैं वो कहते हैं श्रीमान आपका स्वागत है To the king राजा को Please come, कृपया करके आए inside, अंदर and make yourself at home. और यहाँ पर आप अपने घर जैसा ही समझ सकते हैं यू लुक ट्राइड आप थके हुए महसूस होते हैं रेस्ट फॉर ए वाहिल कुछ देर के लिए आराम करें देन यू कैन शेयर माई फूड फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं ये सब बातें ऋषि राजा से कहता है द किंग टोल्ड द ऋषि राजा ऋषि से पूछता है या साधु से पूछता है द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स बताता है ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थो दे लुक सो लाइक राजा कहता है कि उन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से कितना अलग है और वो दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं दिखाई देते हैं द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस ऋषि कहते हैं कि जो जंगल है
वो अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है. ही सैड, ऋषि ने कहा. द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, जो साधु हैं, होली मैन यहाँ पर साधु के लिए प्रयोग किया गया है, वो हंसते हुए या मुस्कुराते हुए कहते हैं, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जो भी व्यक्ति जिस समूह में रहता है या जिस संगति में रहता है वह उसी संगति का जाना जाता है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वह पक्षी हमेशा डकैतों की बातों को सुनता है. ही इमिटेट, इमिटेट मीन्स होता है अनुसरण करना या दोहराना. देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, वह उन्हीं की बातों का अनुसरण करता है या सीखता है और उनके द्वारा बोली गई बातों को ही लोगों के साथ कहता है या उनको बताता है और उनको लूटने की बात करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, वह उन्हीं बातों को बार बार दोहराता है जो वो सुनता रहता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो दूसरा पक्षी है वो हमेशा उन बातों को दोहराता है जो वो ऋषियों द्वारा सुनता है. वह हमेशा लोगों का स्वागत करता है आश्रम में. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और कहता है कि अब अंदर आए और आराम करें. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा. नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट. दिस क्वेश्चन वी शुड टेक नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.